किरतेश्वर द्वार। और ये है पागल आदमी जो अपनी फोटो खींच रहा है। ढंग से तो ढंग से रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छे से हंसो। पोज। कितनी भी तगड़ी धूप क्यों ना हो जाए, 45 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाए तो भी आदमी टोपी पहना रहता है। आज मैंने इसकी टोपी निकाल के फेंक दिया। क्या है ये? एक ऐसा आदमी है जो सुबह से उठकर और रात को सोने तक अंजू 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 कर रहा है। और ये आ गए हम महाकालेश, महाकाल ज्योतिर्लिंग पर। तो महाकालेश्वर आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स, जो महाकालेश्वर मंदिर है वो महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है। वहीं के महाकालेश्वर को ही महाकाल कहा जाता है। और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये फ्लावर्स। ओह माय गॉड, पूरे रास्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। नीला होगा। चार धाम की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये डुप्लीकेट बनाया ना चार धाम का? नहीं ऑफ कोर्स। कॉपी किया है? तो क्या चार धाम आपको एक जगह ही मिल जाएगा क्या? हां तो ऐसे जो कॉपी किया अच्छा हुआ ये कॉपी लगभग। अभी असली देखूंगी तब तो बताऊंगी। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये इंदौर में है। इंदौर में यहाँ मैं गई हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्लैश लेस कौन है यार? तो ऐसी बैटरी लो चल रही। ओम नमः ये है द्वार पर हम। द्वार का नाम है कौन है? कृष्ण भगवान। अब कौन सा है?
क्या नाम है? पशु प्राणी कीड़ा मकोड़ा सब एक ही साथ सृष्टि किया था ना, इसीलिए आदमी लोग का प्राणी सब संतान है, इसीलिए मांस मांस नहीं खाना है। हाँ, सब पूजा करने समय में अन्ना पानी पहला होगा, वो थोड़ा थोड़ा देवी देवता का देके खाना पड़ेगा, किसी का भोग बलि नहीं खाएगा देवी देवता ना। आदमी लोग खाने के लिए बलि करता है, पाप कर रहे हैं, किसका पाप नहीं करना चाहिए, अभी सके है, इसीलिए सब लोग फल फूल से पूजा कर लिए, ठीक है, समझे? सुनाई दिया? हवन फोन बोलने से चल घर से सुनो, नॉन वेज खाने को मना कर रही है और बोल रही है इधर आ, वो बोल रही है वो कोरोना के बारे में, जब नॉन वेज वेज नहीं खाने का, और जब घर में जो खाना बनता है तो उसमें से पहले भगवान को भोग लगाने करूँगी। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से आए हो? टीवी पे दिखा देगा, टीवी पे दिखा देगा, अरे देखो ना, हेलो हेलो, चलो जगन्नाथ, यही तो आप कहते ना जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी है, ऐसा ही था मंदिर, ऐसे बहुत बड़ा, मतलब ऐसा ही था ना, तो ये असली थोड़े है। इससे कुछ अंदर है, इस पे ये वाला तो बंद ही है। अरे वो दोनों लोग से मैं नहीं मिली, तो मेरे को खाना ना पड़ेगा, पानी पाना, पानी पीना से। हेलो, ये तो उधर है लो, इसमें से छानना बंदा लगा था, ये लॉकडाउन में सब गड़बड़ हो गया होगा, लॉकडाउन के बाद सब जगह की व्यवस्था। अब नहीं है, खत्म मंजू, यही लास्ट था, लगी है कोटा मंजू पास, यही वाला है बस, यही लास्ट है, कौन सा है? विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंजे दे चार दे दो, कहाँ चलो, कैसे तेरे में जा रही हूँ, अच्छा देख लियो, और क्या नीचे क्या है, नीचे से हम लोग आए थे ना, हाँ
निकाली रहो। सो माई डियर यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी आज की चार धाम की यात्रा जो कि पूरी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर में, एंड कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाओ। सो या बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, चारधाम से हम लोग वापस आ गए हैं और रास्ते में हैं एंड रास्ते में रुके हुए थे, लंच का टाइम भी था एंड भूख भी लग रही थी, तो हम यहाँ एक रेस्टोरेंट पर रुके हुए हैं और यहाँ हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस एंड फ्राइड राइस के साथ के छोले मिले हैं। उनके हिसाब से ये छोले हैं, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये दाल है, दाल में मटर है एंड काले चने हैं। और पीछे का नज़ारा बहुत ही खूब ज़्यादा खूबसूरत है, लुक। सो हम के जो भी खाए हैं खा के फिर निकलेंगे रास्ते में। ओके देन, बाय बाय।